हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की है रामनवमी, तो सभी फ्रेंड्स को हैप्पी रामनवमी। तो चलिए आज माता की जो कढ़ाई है वो करनी है। और सुबह के बज गए हैं 4 और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और ना करके भी आ गई हूँ। तो चलिए अब माता का जो प्रसाद है वो बनाते हैं। बाहर बिल्कुल अंधेरा है, जब तक दिन निकलेगा तब तक हम खाना वाना बना के रेडी कर लेंगे, क्योंकि कन्याएं हैं उनको भी जिमाना है। फिर अगर ज्यादा लेट होती है तो जो कन्याएं हैं वो मिलती नहीं है, वो इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि सबका जिमाने का सिस्टम है वो शुरू हो जाता है, तो लड़कियां एक जगह पे मिलती नहीं है, तो इसलिए हम फटाफट से उठ के करते हैं। तो मैं और मेरे भाई खाना बनाने के लिए किचन में आ चुके हैं। अब गुलगुले और पूड़ी बनानी अभी बाकी है। पूड़ी का आटा तैयार है और हलवा बनके रेडी हो गया है, सब्जी भी बनके रेडी हो गई है और खीर भी बनके रेडी हो गई है। तो चलिए पूड़ी बनाते हैं सबसे पहले और गुलगुले बना के रेडी करते हैं, फिर पूजा कर लेते हैं। फ्रेंड्स फाइनली प्रसाद बनके रेडी हो गया है, तो चलिए सबसे पहले आप पूजा कर लेते हैं। अब मैं भी माता रानी को भोग चढ़ा रही हूँ। फ्रेंड्स खाना हो गया है, अभी बनके रेडी हो गया है और कन्याएं आ चुकी है, तो दिखाते हैं। चलो ये हो गई 9 कन्याएं और वो बैठा है लकड़ा, देखो। तो फ्रेंड्स चलिए अभी फिर कन्याओं को खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। अब यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रही हैं सभी कन्याएं। सभी कन्याओं ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, अब मैं तिलक निकाल देती हूँ। अब मोनू भी तिलक निकाल करके प्रसाद दे रहे। प्रसाद हो गया है, तो चलिए सबसे पहले कन्याओं के पैर छू लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आ गया है बाहर कपड़े मांगने वाला, तो मम्मी उनको ये साड़ी दे रही है। तो फ्रेंड्स कन्याएं अभी जिम के जा चुकी हैं और ये है नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग। तो मैं इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आप चैनल पे नए आए हों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए बाय।